रुक करते हैं विस्तार से गतिविधियों की ओर। हमीरपुर संसदीय क्षेत्र से रिकॉर्ड मतों से जीत दर्ज करवाने पर अनुराग ठाकुर ने दिल्ली रवाना होने से पहले कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी के अमेठी से हारने पर चुटकी ली है और बयान दिया है कि स्मृति ईरानी ने सांसद न होते हुए भी अमेठी की जनता का जो काम किया था ये उसका आशीर्वाद है। अनुराग ठाकुर ने कहा कि 5 पीढ़ियों तक राज करने वाले गांधी परिवार को अमेठी की जनता ने आईना दिखाया है और कांग्रेस राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी को जनता ने पूरी तरह नकार दिया है। अनुराग ठाकुर ने यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह को जीत के लिए बधाई भी दी। हमीरपुर संसदीय क्षेत्र से रिकॉर्ड मतों से जीत दर्ज करवाने पर अनुराग ठाकुर ने दिल्ली रवाना होने से पहले कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी के अमेठी से हारने पर चुटकी ली है और बयान दिया है कि स्मृति ईरानी ने सांसद न होते हुए भी अमेठी की जनता ने अपना आशीर्वाद दिया था। बहुत बहुत बधाई देता हूँ जिन्होंने सांसद न होते हुए भी 5 साल अमेठी की सेवा की और ये सेवा करके जो उन्होंने यश कमाया तो वहाँ की जनता ने भी वो कर दिखाया जो 70 वर्ष में नहीं हुआ था। एक परिवार जिसने 55 साल देश पे राज किया, 5 पीढ़ियों ने राज किया, उसको हार का रास्ता दिखाया। ये दिखाता है कि आप दिल से काम करो तो जनता आपको देखती है। और मैं स्मृति जी को बहुत बधाई देता हूँ, अमेठी के सभी मतदाताओं का धन्यवाद करता हूँ जिन्होंने शानदार काम किया। मोदी जी, योगी जी और अमित शाह जी को बहुत बधाई देता हूँ कि उत्तर प्रदेश में फिर एक बार शानदार प्रदर्शन किया और पूरे देश भर में, आपको याद होगा जब मैं नमो अगेन की हुडी पहनकर पार्लियामेंट गया था तब लोग कहते थे एक नया ट्रेंड शुरू कर दिया। जब मैंने अब की बार 400 पार का स्टिकर लॉन्च किया था तब कहते थे कहाँ 400 आएंगी, आप देखिए हम कहाँ पहुँचे हैं। ये अपने आप में दिखाता है हमें अपने नेता में विश्वास था, उनकी नीतियों उपलब्धियों में विश्वास था, देश की जनता को विश्वास था, आज सब संभव हो पाया है।